होगा, हम अपने खर्च से इसको को लगा रहे हैं। समझेंगे एगो योजना हमारा इसी में चला गया मैडम नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीड चलाने स्पीड लिमिट है, उसके बाद कंट्रोल तो सब का काम है। या कोई भी है, टेम्पो उसके बाद रहेगा कि उस पर सख्ती, जब वो लिमिट को तोड़ता है तो सर आप प्रशासन का काम, उसमें हम लोगों का या किसी भी पब्लिक का रोल नहीं रहेगा। हाँ, इस पर थोड़ा सख्ती होना जरूरी है, क्योंकि कई केस हो गया हमारे भगवानी के। हेलो, मैं आपका दोस्त शाहिद शफीक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आप तक दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बगौनी में, और यहाँ पे एक बच्चे का अभी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है, जो गंभीर हालत में उसे अभी अस्पताल भेजा गया है और यहाँ पे ट्रक पकड़ा गई है। लगभग एक घंटा पहले एक बेलगाम ट्रक, डंपर जिसे कहते हैं, वो अभी आया और एक गाड़ी में उसने पीछे से ठोकर मारा। पीछे बैठा हुआ बच्चा उसने गाड़ी से उछल करके वो सामने आ गया, डंपर वाले ने उसे आगे पीछे दोनों का जो है वो चक्कर चला दिया, जिसकी वजह से उसका दोनों हाथ पूर्णतः खत्म है। प्रशासन वगैरह आ चुकी है, गाड़ी को अंडर कस्टडी ले गया है, गरीब परिवार के लोग हैं। लोगों का दो तीन डिमांड है, चूंकि बगौनी के इस रूट में, खासकर ये ताजपुर कुसा पथ पे अक्सर इस तरह का एक्सीडेंट का घटना घटती रहती है। लोगों का डिमांड है कि प्रशासन इस पे सख्त हो, जगह जगह 20 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड का साइन बोर्ड लगाया जाए और उस पे प्रशासन उस चीज को अमल करा दे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा घटित नहीं। और जो बच्चे के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाए। बच्चा अभी समस्तीपुर में है, मोस्ट प्रोबेबली वो पटना रेफर होने के चांसेस है, 95% चांसेस है कि बच्चे के बचने की उम्मीद कम है। आप लोग भी बच्चे की बेहतरी के लिए दुआ कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ वैनी थाना के सब इंस्पेक्टर साहब है और आइए जानते हैं ये अपनी तरफ से क्या कदम उठा रही है। जैसे कि यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ तो ब्रेकर का अलाउड नहीं है इस रोड में, लेकिन जहाँ जो है इंस्टीट्यूट बना रहा है वहाँ ब्रेकर के लिए अलाउड नहीं है। लोकल लोकल इसके लिए आप सिर्फ कदम तो उठा सकते हैं ना, आप तो एक कदम उठाइएगा उसके बाद ही ना कदम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और जनता की आवाज़ आप तक यूट्यूब पे सर्च मारकर उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड फॉरवर्ड करें।